नमस्कार दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी हालात ठीक नहीं रहे लेकिन फिर भी समय समय पर पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर काम करने आते रहे हैं और कितने ही कलाकार ऐसे थे जो सफल भी हुए थे और कुछ ऐसे थे जो मजे लूटकर ऐसे ही चले गए आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करूंगा वो भी पाकिस्तान से यहाँ करियर बनाने आई थी लेकिन एक फिल्म के बाद इसको पार्सल करके वापस पाकिस्तान भेज दिया असल में ये बेचारी राजनीति की शिकार हो गई थी मावरा हुसैन जिसे मावरा हुकेन के नाम से भी जाना जाता है ये एक पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस है और बॉलीवुड में ही इसकी फिल्मों में शुरुआत हुई थी मावरा का जन्म हुआ था 28 सितंबर उन्नीस को अरे यार सितंबर ही तो चल रहा है जब वीडियो का इतना वेट किया ही था तो दो हफ्ते वेट और भी हो जाता 28 सितंबर को इसका अच्छे से वीडियो बनाते और इस बेचारी मावरा को उस दिन बर्थडे का गिफ्ट भी दे देते हम सब मिलके चलो कोई नहीं अब कलम नहा लिखने बैठ गई है तो लिखने देते हैं वरना नाराज हो जाएगी तो मावरा का जन्म हुआ था कराची सिंध पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहन उर्वा हुकेन है वो भी एक, एक एक्ट्रेस है इसका जो जीजा है फरान सईद वो भी एक्ट्रेस है इनका एक छोटा भाई है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हुकेन है या हुसैन मावरा हुकैन से यह थोड़ी सी विदेशी प्रजाति जैसा फील देती है इसका कारण मैं आपको बताता हूं जब यह सेवंथ क्लास में थी तो इसने अपने हुसैन की स्पेलिंग जो इसका सरतेम है उसकी स्पेलिंग को यूनिकनेस देने के लिए हुसैन से हुकैन कर दिया तब इसके फादर और बाकी इसके जो आसपास के रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि हुसैन जो है हमारे नबी का नाम होता है तो इसे ऐसे चेंज ना करो लेकिन इसने जो है अपना नाम मावरा हुकैन फाइनल कर दिया हालांकि बोला आज भी जो है हुसैन ही जाता है मावरा की ट्वेल्थ क्लास तक की पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान से हुई थी और उसके बाद इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से इसने लॉ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि इसने जो लॉ किया था वो लंदन यूनिवर्सिटी से किया था मावरा के फादर पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक थे और माँ हाउसवाइफ लॉ की डिग्री के बाद इसने लाहौर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था और इसके बाद इसने मॉडलिंग में भी ट्राई करना शुरू कर दिया पिता के आर्मी में होने के कारण उनके अच्छे कॉन्टेक्ट थे तो वहां से भी मावरा को मॉडलिंग में बहुत ज्यादा मदद मिली मावरा को जब मॉडलिंग में बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिले तो ये एक्टिंग में आ गई उस समय थिएटर भी करने लगी थी टीवी पर पहला सीरियल आया साल 2011 में जिसका नाम था खिचड़ी सालसा लेकिन उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था इसके बाद ये टीवी सीरियल्स में लगातार काम करने लगी और साथ में मॉडलिंग भी कर रही थी मॉडलिंग के दिनों में जब ये टीवी पर भी नाम कमाने लगी थी उस समय पहली बार इसका नाम जुड़ा शहरयार खान के साथ में जो कि एक मॉडल ही था लेकिन इनका ये अफेयर कम था और पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस ज्यादा थी क्योंकि शहरयार एक सीनियर मॉडल था और उसकी वजह से इसे कई सारे प्रोजेक्ट में काम मिला मावरा के टीवी सीरियल्स में कुछ रोल बहुत ज्यादा फेमस हुए जिससे ये भी जो है धीरे धीरे पॉपुलर होती चली गई साल 2014 में टीवी सीरियल कितनी गिरे बाकी है उसके दौरान अपने को एक्टर कमर अरसलान के साथ भी इसका नाम जोड़ा गया लेकिन इनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं हुई क्योंकि उसी समय मावरा का नाम जुड़ा था आमिश अजर के साथ में और साल 2014 में ही दोनों ने सगाई कर ली लेकिन साल 2015 आते आते दोनों ने रिश्ता खत्म कर दिया रिश्ता खत्म होने के समय इन दोनों ने कोई भी वजह नहीं बताई थी लेकिन आमिश अजर चाहता था कि ये निकाह करके बस बच्चे पैदा करे और एक्टिंग से ब्रेक ले ले लेकिन इसने रिश्ता खत्म कर दिया साल 2015 में ये इंडिया आ गई और इसके आने से पहले फिल्म सनम तेरी कसम के डायरेक्टर वीनू सप्रू वीनु सप्रू से इसकी फोन पे ही सेटिंग हो गई थी मतलब फिल्म को लेकर बात हो गई थी इंडिया आई और पहली फिल्म मिली सनम तेरी कसम जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में इसके साथ में लीड रोल में था हर्षवर्धन राणे यह फिल्म रिलीज होने ही वाली थी तभी इसके साथ में एक खेल हो गया भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव हो गया और एक दूसरे देश को बैन करने वाला खेल शुरू हो गया पाकिस्तान के जितने भी कलाकार यहां पर पड़े हुए थे सबको यहां से बाईपोस्ट पाकिस्तान भेज दिया मावरा भी अपनी पहली फिल्म की रिलीज नहीं देख पाई थी पाकिस्तानी कलाकारों ने वहां जाकर बॉलीवुड की पोल खोलनी और बुराई करनी शुरू कर दी इस फिल्म की रिलीज से पहले मतलब शूटिंग के समय मावरा और हर्षवर्धन राणे का अफेयर भी शुरू हो गया था हर्षवर्धन और ये फिल्म की शूटिंग के बाद क्वालिटी टाइम बिताते हुए हमेशा साथ में देखे जाते थे तभी मावरा की नजर पड़ी रणबीर कपूर पर मावरा रणबीर को जो है अपना फेवरेट एक्टर बताती है आज भी इसके बाद इसने नीतू सिंह से भी मुलाकात की और तभी रणबीर कपूर ने रेडियो एफएम पर बैठकर इसके लिए लॉर्ड्स ऑफ लव और लव यू बोला था तभी मीडिया में खबरें चलाई गई कि रणबीर कपूर और मावरा ने एक साथ गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया है मावरा को लगा था कि वो रणबीर के साथ में शादी करके यहीं पर बस जाएगी लेकिन उन्हीं दिनों रणबीफ के लपेटे में खालिया भट्ट तो मावरा के साथ में इसका बस लेन देन का ही रिश्ता रहा वैसे बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम से मावरा ने किसिंग सीन्स के साथ में कई इंटीमेट सीन्स भी दिए थे जो इस बात की एडवर्टाइजिंग थी कि ये बॉलीवुड में वीणा मलिक बनने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है लेकिन इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई बॉलीवुड फिल्म के नाम पर ही था रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी और सक्सेस हुई थी लेकिन फिर भी इसके बाद इसको आज तक कोई भी नई फिल्म नहीं मिली 2021 तक फिर से यह जो है टीवी पर ही एक्टिव हो गई और 2021 के बाद अब साल 2023 तक ये टीवी पर पूरी तरह से गायब थी लेकिन अब 2023 में इसके दो टीवी सीरियल्स आ चुके हैं मावरा ने जब फिल्म सनम तेरी कसम में इंटीमेट सीन्स दिए तब इसे पाकिस्तान में काफी ज्यादा गालियां खानी पड़ी और इसे वहां जो है बैन करने की मांग हुई तब इसने पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर बात की कि वहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है उनको गुलाम बनाकर रखा जाता है और पैरों की जूती समझा जाता है लेकिन जब ये वापस पाकिस्तान जाती है तो फिर इसे पाकिस्तान की जगह इंडिया में यही सारी कमियां दिखाई देने लगती है मावरा का कहना था कि भारत के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इसलिए वहां इसकी जान को यानी यहां भारत में इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था बॉलीवुड के बारे में भी इसने बहुत कुछ बोला हालांकि बॉलीवुड के बारे में तो कितना भी बोल लो वो कम ही लगता है बात सिर्फ मावरा की नहीं है ज्यादातर पाकिस्तानी कलाकारों और क्रिकेट रो की भी यही बात है जब पैसा कमाना हो तो भारत बहुत अच्छा है जब अच्छी खासी नेटवर्क बन जाए या किसी वजह से अपने देश में वापस जाना पड़े तो ये भी जो है गोबर करने से बाज नहीं आते हैं वैसे भी एक दूसरे देश को गाली देना दोनों देशों के नागरिकों के लिए आज की डेट में देशभक्ति का पैमाना बन चुका है तो इसने भी अपने देश में जाके वही किया खैर आप लोगों ने भी जो है मावरा की कोई फिल्म या कोई टीवी सीरियल देखा हो तो बता दो अपनी इच्छा इच्छा बतानी है आखिरी इच्छा नहीं बताना अभी इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में जय हिंद जय रामजी की